भ्रिष्टाचार उत्ते मेरे नाल बहस करके दिखाओ मोदी जी। महाराष्ट्र विच मुंबई अते धुले विच दो जनतक रैलियां नूं संबोधन करन दौरान कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी मौका होवे 5 मिनट लई भी नरेंद्र मोदी विरोधी धुर नूं भंडण च पिछे नहीं रहिंदे। राहुल ने कहा कि मोदी कदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि उन्हां नूं पता है कि मीडिया के सख्त सवालों का जवाब वह नहीं दे पाउणगे। राहुल ने मोदी नूं करप्शन उत्ते बहस करन दी खुली चुनौती दित्ती। मैं जाता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, ये सब प्रेस वाले मित्र आते हैं, सवाल पूछते हैं। आपने कभी देश के चौकीदार को प्रेस के सामने देखा है? इनको 15 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो इनको, उनको सामने बैठा दो, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मैं बता रहा हूं, और मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हूं, भ्रष्टाचार के मामले पे आप आके मेरे साथ बात करो, इनको सामने खड़े कर दो, मेरे से डिबेट कर दो, 2 मिनट मेरे सामने डिबेट कर दो। हिंदुस्तान से ना भागना भागना पड़ जाए, मैं देखूंगा। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई भी नेता सरकार के बारे में, सरकार पर कोई भी आरोप नहीं लगाएगा। क्यों बोला मैंने? क्योंकि लड़ाई चल रही थी और मैंने कहा, अपने लोगों से कहा, देश की जनता से कहा, हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा होना है। बम गिरने बंद होंगे फिर से हम राजनीति शुरू कर देंगे, मगर जब तक हमारे लोग शहीद हो रहे हैं तब तक कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं करेगी। सही बोला, गलत बोला? सही बोला। अब प्रधानमंत्री पुलवामा में बम फटता है, मीडिया को कहते हैं हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, और फिर कांग्रेस पार्टी विपक्ष पर आक्रमण करते हैं। उसी समय इंडिया गेट, शहीदों का मॉन्यूमेंट खुलता है, प्रधानमंत्री सीधा कांग्रेस पार्टी विपक्ष के ऊपर आक्रमण करते हैं। मतलब 5 मिनट भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते हैं। ये हम में और उनमें फर्क है।